हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ। शाम के 6:12 हो रहे हैं। तो अभी मैं जाने लग रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे लच्छगले लेनी है, सैंडल और कुछ अपना पर्सनल सामान भी लेना है। तो अभी मैं जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हम मार्केट से आ गए हैं और चेंज करके, और मैंने यहाँ पर सब्जी भी काट ली है। ये अब मैं जा रही हूँ इस खाना बनाने, और आपको दिखा देती हूँ मैं मार्केट से क्या लेके आई हूँ। हाँ, तो मैं मार्केट से ये लेके आई थी लक्ष्य के लिए ये सैंडल, क्योंकि सूज पहन के जाता है तो आजकल यहाँ बरसात हो रही है तो सूज भीग जाते हैं, तो इस वजह से सैंडल लेने गई थी। ये सैंडल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है, लेकिन दूसरा ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैंने कई दुकानों में पूछा, कई दुकानों में नहीं थी बच्चे के ना साइज की, और कहीं पसंद नहीं आ रही थी, तो लास्ट में मैंने यही ली। तो क्या पहनना ही है, कोई बात नहीं। तो अब मैं जा रही, सब्जी मैंने काट ली, अब मैं जा रही हूँ सीधे सब्जी बनाने, क्योंकि लेट हो गया है, 8 बज गए हैं। पीने जा रहे हैं, मतलब छाछ, इतनी गर्मी होती है, छाछ पीने का मन हो रहा था। तो अभी इसके पापा छाछ लेके आए हैं दुकान से, और दूध लेके आए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के अभी 10 बज रहे हैं, और मैं ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से कर रही हूँ। कल वीडियो नहीं बना पाई थी, मार्केट से आने के बाद कुछ नहीं बनाया मैंने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, खाना बनाना था, और खाना वाना सबको खिला के लक्ष्य को थोड़ा होमवर्क कराना था, तो इस चक्कर में बिजी हो गई। तो मैं अभी ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही थी नहाने, और मेरा सारा काम हो गया है, सबने नाश्ता वास्ता कर लिया है, और झाड़ू पोछा और कपड़ा तो वो आएगी काम वाली सेजल, वो ही करती है। और अब थोड़ी देर में मैं बनाऊँगी लंच। तो अभी मैं जा रही थी नहाने, और लक्ष्य चले गया है स्कूल, अब आएगा एक बजे के बाद ही 1:10 पे आता है। और अभी मैं जा रही थी नहाने, तो और क्या बताऊँ, सब ठीक चल रहा है। आज मेरा स्पेशल डे है, आप गैस करो क्या हो सकता है। करो करो। तो अभी आती हूँ मैं नहा के, फिर बताती हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ, और पंखा चलाया तो वॉल्यूम अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो मैं आपको बोल रही थी ना कि आज कुछ स्पेशल डे है, तो हाँ जी, आज स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे, आज है 28 जून, तो आज के दिन ही मेरा बर्थडे होता है। तो मैं मतलब मेरी 95 है मेरी डेट ऑफ बर्थ, और आज 1922। तो मैंने आज तक अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया लाइफ, कभी नहीं। मैं सिर्फ अपनी एनिवर्सरी बनाती हूँ, और अपने हस्बैंड का बर्थडे और अपने बेटे का बर्थडे, और मैंने आज तक अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया है। लेकिन एक टाइम मेरे लाइफ में ऐसा आया था पिछले साल कि मुझे नहीं, उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इस साल में वहाँ आऊँगी करके, ये दिन दोबारा मेरी लाइफ में आएगा, क्योंकि जो सिचुएशन थी मेरी पिछले साल, सिचुएशन से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। भगवान का आशीर्वाद कहो या मेरी फैमिली वालों का सपोर्ट, सबके आशीर्वाद की वजह से कि मुझे खुद अपने बच्चे के साथ रहने का फिर मौका मिला। भले अभी भी मेरी तबीयत खराब ही रहती है, कंडीशन ऐसी ही रहती है, लेकिन मैं जैसी भी हूँ अपने बच्चे के साथ तो हूँ कम से कम। तो मैं भगवान का, जो उन्होंने मेरे को अपने बेटे का साथ मिला है मुझे रहने के लिए, तो मैं ऐसे भी हूँ तो मैं अपने बेटे, अपनी फैमिली के साथ हूँ, इसी में मैं खुश हूँ। दिन जैसे भी दिन कट ही जाएंगे, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सोचते हैं कि मैं सोचती थी पहले, औरों का तो मुझे पता नहीं, पहले तो मेरी हमारी कंडीशन ऐसी थी नहीं कि हम ये बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें, लेकिन जब कंडीशन ठीक भी हुई तो मैं ऐसा सोचती थी कि क्या पैसे वेस्ट करना है, क्यों ये छोटी छोटी चीज़ों ऐसे मतलब पैसे वेस्ट करना है। लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं ले जाएंगे, ले जाते हैं अपने साथ,
जो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती है, छोटे छोटे सेलिब्रेशन होते हैं, ये सब जाएगा। मतलब इसी जो जो सेलिब्रेशन हमने किया छोटी छोटी फैमिली के साथ, जो हम इंजॉय किया, ये सब याद रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी यही दोस्तों कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं, अपने अपने तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ का इस टाइम पे कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा करके, तो और हमारे साथ कुछ जाना है तो है नहीं, तो यही छोटी छोटी खुशियाँ हमें याद रहेंगी हमेशा। तो आप करिए, अपनी लाइफ को इंजॉय करिए, फैमिली के साथ खुशी से रहिए। और हाँ, मुझे भी बर्थडे विश कर दीजिएगा। थैंक यू। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।